अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैंसी कबूतर एंड बर्ड्स। आप देख रहे होंगे हमारे कॉलोनी में कलर का काम कंप्लीट हो चुका है। कॉलोनी पूरी साफ हो चुकी है, अभी खाली दिख रही होंगी आपको कॉलोनी। बर्ड्स हमारे दूसरी जगह रखे हुए हैं, तो कॉलोनी खाली हो गई। तो मैं सोच रहा था कि साथ ही साथ मटकियाँ भी लगा देता हूँ। ब्रीडिंग का सीज़न चालू हो चुका है, बारिश चालू हो चुकी है, थोड़ा मौसम अभी ठंडा हो गया है। हमारे बर्ड से ब्रीड लेने के लिए हमको मटकियाँ लगानी पड़ेंगी उसमें। तो चलिए मैं अभी आपको मटकियाँ दिखा देता हूँ, मटकियाँ कहाँ रखी है, फिर मटकियाँ मैं लगा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाहर से कॉलोनी भी वाइट हो चुकी है। तो मैं बर्ड्स के लिए पानी बना रहा था और अपने बर्ड्स थोड़े बीमार हो रहे, तो उसके लिए भी ये दवाई है और पानी बनाया हूँ मैंने। अगर ये काम करती है, सक्सेसफुल होती है, तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका नाम बता दूंगा। चलिए अपनी मटकियाँ ले लेते हैं। मटकियाँ ये इस तरफ में रखी हुई है। ये देखिए सारी मटकियाँ रखी हुई है, बारिश की वजह से गीली भी हो रही है, तो मैं सोचा इसको अपनी जगह पे लगा देता हूँ। मटकियों को सारी यहाँ रखे रखे हुई है, गीली हो जाएंगी, बारिश से बाहर रखी हुई है। मैं एक एक करके सारी मटकियाँ लगा देता हूँ, फिर सारे बर्ड्स को भी छोड़ देता हूँ। ये देखिए एक मटकी मैं यहाँ से उठा लिया हूँ। इसमें ऐसा गड्ढे बने हुए हैं, 2-3 साल पहले की मटकी रखी हुई है ये मेरी। आपको ये मटकियाँ लेके इसमें ऐसे गोल शेप भी बना सकते हैं आप, और ऐसे चौकोर भी बना सकते हैं, और ऐसा एक एंगर बनाना है आपको जिससे मटकियाँ लटक जाए उस पर। मैं आपको एक मटकी लटका के दिखाता हूँ अभी कैसी लगती है कॉलोनी में। फिर मैं सारी मटकियाँ भी वैसी करके एक एक, एक बार से ला के लगा दूंगा कॉलोनी के अंदर आने के बाद। ये देखिए यहाँ पे अभी मैं एक मटकी लगा देता हूँ। ये देखिए हमारी कॉलोनी में एक मटकी लग चुकी है। ये सारी मटकी लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप देखिए कैसे कैसे लगता है हमारा रूम। ये देखिए दोस्तों, ये सारी जो छोटी मटकी थी अभी वो लगा दिया हूँ मैंने। बड़ी वाली मटकी बची है, ये दीवार पे 6 मटकी आई है और ये दीवार पे 3 लाइन आई है, चार चार की 12 मटकी यहाँ पर है, एक मटकी इधर है। अब अभी जो बाकी की थोड़ी मटकियाँ बची है, वो ये इन सब मटकियों से थोड़ी थोड़ी सी बड़ी है, वो भी मटकी लगा देता हूँ मैं। फिर पूरी कॉलोनी का ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी मटकी लगा के हो चुकी है, अब रूम कैसा लग रहा है हमारा कॉलोनी का। ये देखिए मटकियों से अब थोड़ी रौनक बढ़ गई है हमारी कॉलोनी की। अब कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कॉलोनी अब जो बनी है कैसी लग रही है। पहले से अच्छी लग रही है कि ठीक है ऐसी, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो सारे मटके भी कैसे लग रहे हैं आप बताइए। ये साइज, ये थोड़ा बड़ा साइज का मटका है ये, और ये वाला जो है थोड़े छोटे साइज के है। तो अब मैं आप सारे बर्ड्स को भी छोड़ देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे हम बर्ड्स हैप्पी हैप्पी दिखते हैं यहाँ। तो मैं आपको सारे बर्ड्स को भी छोड़ के दिखाता हूँ, सारे बर्ड्स मटकियाँ देख के कैसे खुश हो जाएंगे आपको दिखाता हूँ मैं वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स, मैंने बर्ड्स का दाना पानी भी रख दिया हूँ यहाँ पे, सब रेडी हो चुका है मटकी लगा के। तो चलिए मैं कबूतर के सेटअप में से बर्ड्स को लेकर आ जाते हैं। कबूतर के सेटअप की भी बहुत दिन से वीडियो नहीं आई है, मैं आज वीडियो शूट करके जल्दी से जल्दी उसकी भी वीडियो डालता हूँ। सारे कबूतर की भी प्रोग्रेस आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है, कबूतर के सेटअप में भी क्या चल रहा है, आपको बहुत जल्दी अभी वीडियो आ जाएंगी इसकी भी। तो चलिए मैं सारे बर्ड्स को ले आके वहाँ छोड़ देता हूँ। ये देखिए बर्ड्स सारे हमारे कॉलोनी में आ चुके हैं, उनका गेट खोल देता हूँ मैं, अब सारे बर्ड्स नई कॉलोनी में उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे।
देखिए सारे बर्ड्स अभी बाहर आ जाएंगे, मैं इधर से हटाता हूँ। जैसे ही एक दो बर्ड्स बाहर आएंगे सबको पता चल जाएगा कि गेट खुला हुआ है। चलो 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 बाहर जाओ। चलो मैं सारे बर्ड्स को कॉलोनी में छोड़ देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे बर्ड्स को अपनी नई कॉलोनी में छोड़ दिया हूँ। ये दाना भी खाने लग गया, आके इनको पता चल गया दाना यहाँ पे रखा रहता है। ये वापस अपनी कॉलोनी में आ चुके हैं जैसे पहले थे, सब स्टिक्स पे बैठे हुए हैं अभी। जैसे ही मटकियों में कुछ जाने की कोशिश करते हैं, मटकियाँ चूज करते हैं, तो मैं सब आपको दिखाऊंगा वीडियो में। आप हमारे चैनल पर बने रहें। ये देखिए एक बर्ड यहाँ पे ये सुस्त बैठा हुआ है, इसको मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। अभी इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बर्ड्स अभी थोड़े मौसम चेंज हुआ है तो बीमार बहुत हो रहे हैं, बर्ड्स का ट्रीटमेंट चालू करना है अभी। जैसा तो फूल के बैठा है बर्ड, सुस्त हो गया एकदम। और बाकी सारे बर्ड्स एकदम एक्टिव है, खा रहे पी रहे हैं और उड़ रहे हैं, बढ़िया है। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। हमारी नई कॉलोनी अभी बन चुकी है, अभी और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी बर्ड्स की ब्रीडिंग की। देखिए सारी मटकियाँ कितनी अच्छी लग रही है हमारी कॉलोनी में अभी लग के। सारी अपडेट जैसी होती है सब आपको मैं बताऊँगा वीडियोज़ में, बर्ड्स के ट्रीटमेंट के बारे में, बर्ड्स को कैसे रखना है। ये अभी बर्ड्स जो अभी सुस्त हो गया है यहाँ दिख रहा है, उसको भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ अगली वीडियो में, उसका भी आपको मैं बताता हूँ। तो मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे।